hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today we are going to have revision on some of the important mcqs from the topic ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड सी एस आर सो बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एम कॉम सेमेस्टर वन और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज को डिस्कस करने वाले हैं दिस कैन बी अ रिविजन रिलेटेड टू द चैप्टर सो इसमें हम बहुत सारे एम सी क्यूज को डिस्कस करेंगे uh, तो ये सेशन कुछ डिवाइडेड होंगे फिलहाल आज के सेशन में हम टेन एम सी क्यूज को डिस्कस करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको आगे भी वीडियोज़ मिलने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक

वो दिया था जॉन एल्किंगटन ने तो जॉन एल्किंगटन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन अस मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर सेकेंड द एथिकल ट्रेडिंग इनिशिएटिव वॉज इनिशिएटेड इन डैश इन दर नाइनटीन 1998 एट तो एथिकल ट्रेडिंग इनिशिएटिव कौन से कंट्री में पहली बार आ, ये इनिशिएटिव लिया गया था या किसमें कौन से कंट्री ने ये इनिशिएट किया गया है यूएसए जर्मनी फ्रांस या इंग्लैंड को थर्ड क्वेश्चनिस ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड्यूचर जनरेशन तो डैश इज प्लेसिंग एम्फोसिस ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन तो प्रेजेंट की नीड्स एज वेल एज फ्यूचर में क्या क्या नीड्स होगी वो दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करने वाला कौन सा कंसेप्ट है इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर तो राइट आंसर विल बी वेरी सिंपल क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेसेस एम्फोसिस ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इट इज फ्रॉम द एथिक्स तो वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिकल एथोस एथिमा या एथोसा तो काफी सिंपल क्वेश्चन है याद रखना है एथिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है द ग्रीक वर्ड इज एथोस तो द वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं डैश इज एन एरिया ऑफ स्टडी दैट डील्स विद आइडियाज अबाउट वॉट इज गुड और बैड बिहेवियर तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन आर पहला है एथिक्स सेकेंड है वैल्यूज थर्ड है इंडियन एथॉस या फोर्थ है रूल्स तो राइट right आंसर इसका बनेगा एथिक्स एथिक्स इज एन एरिया ऑफ स्टडी दैट डील्स विद आइडियाज अबाउट व्हाट इज गुड और बैड बिहेवियर तो क्या सही है क्या गलत है ये कौन कौन बताएगा दैट विल बी दी एथिक्स लेट अस मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सिक्स आप ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग आर ट्रीटेड सोर्सेस ऑफ़ बिजनेस एथिक्स तो इनमें से कौन से पॉइंट्स uh, जो है वो सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स में कंसिडर किए जाएंगे रिलीजन कल्चर एंड लॉ कल्चर बिहेवियर एंड लॉ बिहेवियर प्रिंसिपल्स एंड लॉ फंडामेंटल्स रिलीजन एंड लॉ तो सभी ऑप्शन में आप देखोगे तो लॉ कॉमन दिख रहा है तो इसका आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा बिकॉज सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें तीन चीजें कवर होती है सबसे पहला होता है आपका रिलीजन उसके बाद होता है कल्चर और थर्ड ऑप्शन होता है लॉ तो थ्री पॉइंट्स आर कंसिडर एज सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स रिलीजन कल्चर एंड लॉ लेट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू में बन सकते हैं तो ये थियोरीज को जरा ध्यान से पढ़ के रखें इन विच ऑफ द थियोरी एक्शंस आर जज एज एथिकल और अनएथिकल बेस्ड ऑन ड्यूटी और इंटेंशन ऑफ अ डूअर डिएंटोलॉजिकल थियोरीज ट्रियोलॉजिकल थियोरीज यूटिलिटेन थियोरी एंड वर्च्यू थियोरी देखो सबसे पहली चीज क्या पूछा है यहाँ पे ऐसी कौन सी थियरी है जिसमें एक्शंस आर जज एस एथिकल और अनएथिकल जो आप एक्शन करोगे उसी के बेसिस पे जजमेंट होगा कि वेदर दी एक्शंस आर एथिकल और वेदर दी एक्शंस आर अनएथिकल तो एक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इट तो ये जो थ्योरी है ये 1788 में दी थी एंड मिस्टर कैंट्स जो पर्सन थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी और बेसिकली उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि जो हमारे एक्शंस है टेंट एंड एक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो कौन सी थियरी होगी दैट इज डिंटोलॉजिकल थियोरी होगी तो डिंटोलॉजिकल थियरी काफी इंपॉर्टेंट है टिओलॉजिकल यूटिलिटेन और वर्च्यू थ्योरी के बारे में भी पढ़ के रखे बिकॉज एमसीक्यू ये थ्योरीज में से कहीं ना कहीं से भी बन सकता है तो आपको वो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो फिर आपको इसमें एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होंगे लेटाज मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर एट डैश इज अ सेट ऑफ़ वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स विच आर लर्न एंड शेयर्ड बाई मेम्बर्स ऑफ अ कम्युनिटी तो कल्चर एथिक्स एथॉस या प्रिंसिपल्स तो काफ़ी सिंपल है राइट आंसर इसका बनेगा कल्चर कल्चर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज इट इज़ इट ऑल्सो इंक्लूड्स एटीट्यूड्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स बिलप्स तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइंड कर लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे कल्चर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये तो बेसिकली एच के बेसिस पे एक कंसेप्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं हम लोग इवेल्युएट करने का काम करते हैं हमारे एम्प्लॉयज को एंड वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स फॉर इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है वेन एम्प्लॉइज आर रेटेड पुअरली ऑन द बेसिस ऑफ वन नेगेटिव फैक्टर इट इज कॉल्ड एज हॉर्न इफेक्ट हेलो इफेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज इफेक्ट बेसिकली इट इज फ्रॉम द लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस एवरेजल तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है हॉर्न इफेक्ट और हैलो इफेक्ट ये दो कंसेप्ट आपको बताता हूँ इसमें से ही हमारा आंसर है और लेकिन इसमें ये दोनों कंसेप्ट काफी कंफ्यूजिंग बहुत बार लग जाते हैं तो इसका सिंपल कंसेप्ट क्या है? देखो हॉर्न इफेक्ट एज वेल एज हेलो हैलो इफेक्ट देखो हॉर्न इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज जो रहेंगे यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज को पुअरली रेट करेंगे एक नेगेटिव फैक्टर की वजह से अगर वो एम्प्लॉय कितना भी अच्छा है लेकिन उसमें अगर एक नेगेटिव फैक्टर हमको दिखा तो हम उस पूरे एम्प्लॉय को गलत वे पे रेटिंग देंगे तो ये सही नहीं है इसीलिए इसको हम कहते हैं हॉर्न इफेक्ट हॉर्न इफेक्ट का मतलब क्या होता है एम्प्लॉयज आर रेटेड पुअरली ऑन द बेसिस ऑफ वन नेगेटिव फैक्टर और हेलो इफेक्ट उसका ऑपोजिट है हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है हम लोग एम्प्लॉय को हाईली रेट करते हैं उसमें सिर्फ एक भी पॉजिटिव फैक्टर रहा अगर उसमें एक चीज अच्छी है और 99 चीज उसमें बुरी है तभी भी हम लोग क्या उसको अच्छा रेटिंग देंगे तो अगर हम उस बेसिस पे उसको रेट कर रहे हैं दैट मीन्स एम्प्लॉयज आर बीइंग रेटेड हाईली ऑन द बेसिस ऑफ वन पॉजिटिव फैक्टर एंड वी आर इग्नोरिंग द अदर अदर नेगेटिव फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड एज हेलो इफेक्ट एंड अगर हम हॉर्न इफेक्ट की बात करें तो हॉर्न इफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं वो एम्प्लॉय कितना भी अच्छा है रहे लेकिन उसमें एक नेगेटिव चीज थी इसके वजह से हमने उसको पूरा ही नेगेटिव रेटिंग दे दिया तो यहां पर हमको क्या पूछा है वेन एम्प्लॉइज आर रिलेटेड पुअरली ऑन द बेसिस ऑफ वन नेगेटिव फैक्टर इट इज कॉल्ड एस इट इज कॉल्ड एस हॉन इफेक्ट तो इसका राइट right आंसर बनेगा हॉन इफेक्ट लास्ट क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है ध्यान से डैश इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस टू बी एडॉप्टेड बाई अ फर्म्स मैनेजमेंट टू मैनेज इट्स अफेयर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स कारपोरेट अफेयर्स कॉरपोरेट गोल्स कॉरपोरेट मैनेजमेंट कॉरपोरेट गवर्नेंस आई होप कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा काफी सिंपल है तो जो भी कंपनी के रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं ये सारी चीजें अगर हम हमारे स्टेक होल्डर्स के बेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट में प्रैक्टिस करे या बेस्ट इंटरेस्ट में वो सारी चीजें हो तो उसको क्या कहते हैं दैट इज बीन कॉल्ड एज कॉरपोरेट गवर्नेंस तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप दिस टेन एम सी क्यूज विच वीव डिस्कस इसके बेसिस पे आपके कंसेप्ट रिवाइज हुए हैं और किस तरीके से एम सी क्यूज़ को आपको पढ़ना है वो भी आपको अगर आइडिया इसमें से आ गया होगा अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर करें और आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि वो क्वेरीज पढ़ के मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने का ट्राई करूँ और लास्ट मिनट रिविजन विदारे से हमको सब्सक्राइब करके रखें अगले वीडियो में मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर